हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 3D कॉन्सेप्ट, यूनियन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। 3D पार्ट अच्छी तरह से देखने के लिए व्यू जो रहता है वो आइसोमेट्रिक में रखना पड़ता है, और बाद में विजुअल स्टाइल जो है वो कंसेप्चुअली और रियलिस्टिक में रखना पड़ता है, तो ही 3D पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। यहाँ पर कोई सॉलिड बनाया, यहाँ पर कोई बॉक्स वगैरह बनाया, फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर को एक्सट्रूड किया, बॉक्स बनाए, उसके अंदर सिलेंडर बनाए, एक्स वाई प्लेन जिधर रहेगा उधर ही से स्केच चालू होता है। अब ये सिलेंडर इस बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है तो ये इसके साथ मर्ज होना चाहिए था, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये सिलेंडर अलग रहता है और ये बॉक्स अलग रहता है, ये दोनों अगर कंबाइन करना है तो उसके लिए यूनियन कमांड लिया जा सकता है, शॉर्टकट EUN है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए ये दोनों सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। अगला आता है सबट्रैक्ट। कोई सॉलिड में से होल वगैरह कट करना है या फिर कोई शेप वगैरह कट करके दिखाना है तो सबट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर सिलेंडर कमांड लिया, यहाँ पर भी जो फेस सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर स्केच तैयार होने को आना चाहिए, तो यहाँ पर F6 से डायनेमिक क्यूसेस यहाँ पर ऑन रखा, डायनेमिक क्यूसेस ये स्टेटस बार से डायनेमिक क्यूसेस समझो यहाँ पर ऑन कर लिया, तो जो फेस सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर स्केच बनाया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये फ्रंट फेस सिलेक्ट किया तो वो हाईलाइट होता है और यहाँ से सिलेंडर वगैरह बनाया जा सकता है। यूसी सेकंड टेम्परेरी लूडो सेट होता है और स्केच वहां पर बनाया जा सकता है। यहाँ से एक सिलेंडर बना लिया, अब ये सिलेंडर ये सॉलिड में से कट करना है तो सब्ट्रैक्ट लिया जा सकता है, शॉर्टकट की SU, सिलेक्ट सॉलिड्स टू सबट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से कट करना है या फिर जो बड़ा सॉलिड है वो पहला सिलेक्ट किया, एंटर दिया, बाद में जो कट करना है वो सिलेक्ट किया, एंटर दिया, तो बड़े में से छोटा सॉलिड यहाँ पर कट किया जा सकता है, और वैसा कटिंग वगैरह पोर्शन आप कर सकते हो, कुछ शेप वगैरह कट करके दिखाना है या फिर मटेरियल रिमूव करना है तो सबट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसा ही इंटरसेक्ट करके कमांड आता है। समझो यहाँ पर एक पॉली लाइन बना लिया या फिर लाइन बना लिया, जो फेस सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर स्केच तैयार होने को होना चाहिए तो उसके लिए F6 से डायनेमिक क्यूसेस यहाँ पर ऑन रखा, यहाँ पर भी समझो यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर इसको रिजन किया, और बाद में एक शुरू कर लिया। अब ये बड़े सॉलिड में से इन दोनों में से कॉमन पोर्शन अगर रखना है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये दोनों सॉलिड सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो दोनों में से कॉमन पोर्शन जो रहेगा वही बाकी रहता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है। जैसा सॉलिड में यूनियन सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट किया जा सकता है वैसा रीजन में भी किया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर एक सर्कल बने, इनको रीजन कर लिया, ये दो तीन जगह कॉपी कर लिया, अभी ये यूनियन सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट कैसा होता है वो समझने के लिए विजुअल स्टाइल 2D वायरफ्रेम रखा। अभी यहाँ पर यूनियन कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये दो रीजन सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो दोनों रीजन कंबाइन हो जाएंगे। बड़े में से छोटा रीजन कट करना है तो सबट्रैक्ट लिया जा सकता है,
सिलेक्ट रीजन्स टू सबट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से कट करना है पहला वो सिलेक्ट किया, एंटर दिया, बाद में सिलेक्ट रीजन्स टू सबट्रैक्ट जो कट करना है वो सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो बड़े में से छोटा रीजन यहाँ पर कट किया जा सकता है। वैसे ही इंटरसेक्ट कमांड है, दोनों में से कॉमन पोर्शन रखना है तो इंटरसेक्ट लिया जा सकता है, तो दोनों रीजन में से कॉमन पोर्शन जो रहेगा वही बाकी रहता है, बाकी निकल जाएगा। तो वैसा जैसा सॉलिड में यूनियन सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्ट होता है वैसा रीजन में भी किया जा सकता है। अगला आता है एक्सट्रूड कमांड। कोई भी पार्ट को थ्री डी शेप, 2D स्केच को 3D शेप अगर लेना है तो पहले इसको रीजन करना पड़ेगा और बाद में उसको हाइट दिया जा सकता है। यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड लिया, इसको 3D में रूपांतर करना है तो पहले इसको रीजन किया और बाद में हाइट देना है तो एक्सट्रूड कमांड लिया, ये रीजन किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। हाइट कितने का देना है, समझो 5 का देना है तो 5 का हाइट यहाँ पर दिया जा सकता है। वही रेक्टेंगल कमांड लिया, इसको रीजन किया, यहाँ पर टेपर वगैरह देना है तो टेपर भी यहाँ पर दिया जा सकता है। टेपर एंगल ऑप्शन दिया, टेपर कितने का देना है समझो 30 डिग्री का टेपर देना है और हाइट कितने का रखना है समझो 3 का रखना है, तो 3 का हाइट यहाँ पर तैयार हो जाएगा और लेकिन ये 30 डिग्री के एंगल में तैयार हो जाता है। तो वैसा आप टेपर में भी एक्सट्रूड कर सकते हो, नहीं तो बाई डिफॉल्ट फोन 90 डिग्री में मटेरियल ऐड करते जाता है। रीजन करने से वो ज्वाइंट हो जाता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लिया जाता है, ये रेक्टेंगल लिया और इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, रीजन करने से वो ज्वाइंट हो जाता है और बाद में उसको हाइट वगैरह देना है तो एक्स्ट्रा कमांड आप ले सकते हो। ये था 3D कंसेप्ट, रीजन कैसा करने का, एक्सट्रूड कैसा करने का और यूनियन सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट कैसा करने का।